लेकिन आपने वो मुझे बहत्तर हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो बहातर हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है क्या वो याशी नहीं है वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है औरतों के लिए क्या है फॉर एग्जांपल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ मैं जन्नत में जाऊंगी मुझे वहां क्या मिलेगा और हमारे यहां तो मौलवी बहुत कहानियां बताते हैं बहात्र हूरों की कि किस तरह की होंगी ऐसी हसीन होंगी ऐसी होंगी तो मतलब ये तो बड़ी नान है देखिए ये ये सवाल मुझसे नहीं बनता ये सवाल मुझसे नहीं बनता ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए चीजें रखी हैं ये सवाल अल्लाह से बनता है आज मैं इस सवाल का जवाब क्लियर कर रहा हूं इन्होंने जो कहा कि तुम्हें बहत्तर हुरे मिलेंगी तो हमारे लिए क्यों नहीं कहा कि हमें क्या मिलेगा इस सवाल का जवाब अगर आपको सुनना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए आपका ये तमाम जो शक है वो क्लियर कर दूंगा इन पूरी कोशिश करूंगा अपने इल्म के जरिए जो अल्लाह ने मुझे जिस इल्म से नवाजा है और अल्लाह ही की वजह से अल्लाह ही के इल्म की वजह से उसके फजल की वजह से मैं ये क्लियर कर पाऊंगा और आपका शक दूर कर पाऊंगा ये मेरे इल्म का कमाल नहीं है मेरे अल्लाह का कमाल है और मैं आज इस्लाम को आगे बढ़ाने में और जो गलत फहमियाँ हैं इस्लाम के खिलाफ जो लोग प्रपडंडा बनाते हैं उन्हें दूर करने की छोटी सी कोशिश करता हूँ अगर हम गौर करेंगे तो अल्लाह इज्जत ने पुराने मजीद में मर्दों की ख्वाहिशों की एक लिस्ट बताई है कि मर्द की क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं और किसी प्रोडक्ट के बारे में उसका मालिक ही बेहतर बता सकता है जैसे कि बाइक बनाने वाली कंपनी हमें एक किताब देती है हर प्रोडक्ट की कंपनी एक किताब देखती है उसमें रूल लिखे होते हैं रूल इसलिए हम फॉलो करते हैं कि उसका क्रिएटर वो है तो उसने जो नियम बनाए हैं वो अच्छे होंगे उसको पूरी जानकारी है क्योंकि उसी ने उसको बनाया है वो उसका क्रिएटर उसका निर्माता है बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा क्रिएटर है इंसानों का हमें उसने बनाया है वो बेहतर जानता है कि हम कब क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हमारी फितरतें क्या है हमारी खसलतें क्या हैं हमारी आदतें क्या हैं हमारी ख्वाहिशें और डिमांड्स क्या हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में हमारी ख्वाहिशों की एक लिस्ट बनाई है कि मर्द सोना चांदी चाहता है दौलत चाहता है कुछ उसके पास घोड़े हों अब घोड़ों का दौर गुजर गया तो इसको चेंज कर देते हैं मर्सिडीज कार हो दौलत हो शोहरत हो दबदबा हो और उसके पास कुछ खेत हो जिन्हें वो जोत सके और उसके जरिए फसल हासिल कर सके जिससे उसका परिवार चले लेकिन कमाल की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों की ख्वाहिशों का कोई जिक्र कुरान मजीद में कहीं भी नहीं किया कि औरतों की ये ख्वाहिश होती है इसको सबसे बड़ा वो समझती है हाँ एक चीज़ ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया अगर तुम किसी के साथ मोहब्बत से पेश आओगे और किसी की गलती होते हुए कोई अगर गलती पै है तुम्हारे साथ गलत किया ताकत रखते हुए अगर उसको माफ कर दोगे अगर तुम ये नेकी रखते हो और रिश्ते को कायम रखते हो तो इसका बदला मैं तुम्हें दूंगा और उस इनाम उस बदले को अल्लाह तबारक ने खोला नहीं कि क्या दूंगा जैसे मर्दों से कहा कि बहत्तर उ दूंगा और ये कहा कि जन्नत में हूरें होंगी और किसी के बदले में कुछ दूंगा किसी के बदले में ये वाला घर दूंगा किसी के बदले में ये जन्नत दूंगा इस तरीके का नाम ले लेकर इनाम बताए लेकिन ये एक ऐसी नेकी है कि अगर तुम ताकत रखते हुए किसी इंसान को गलती होने पर भी माफ कर दो तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत ही स्पेशल कोई चीज दूंगा लेकिन उसका नाम नहीं खोला इस चीज को जहन में रखे अब बात करते हैं कि एक आलम दीन है जो अमेरिका में इस्लाम के लिए कार काम कर रहे हैं उनका नाम है मिस्टर नोमान अली ख़ान जो कुरान के बहुत बड़े सॉरी कुरान के बहुत जानकार हैं क़ुरान की तफसीर के बहुत बड़े आलिम हैं और वो बहुत ज़बरदस्त अमेरिका में काम कर रहे हैं लोग इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं उनके इलम के ज़रिए उन्होंने एक रिसर्च की सौ लड़कियाँ और सौ लड़के उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में बिठाए और हर एक के हाथ में एक कोरा कागज दे दिया और उनसे यह कहा कि इस पर तुम्हें वो ख्वाहिश लिखना है जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी और सबसे बड़ी ख्वाहिश है जैसे कि मरने वाले से पूछते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना क्या है ऐसी उन्होंने सिचुएशन रखी कि तुमसे सिर्फ यह कंडीशन लगा दी जाए कि तुम कुछ नहीं मांग सकते सिर्फ एक चीज़ मांग सकते हो और तुम्हें पूरा इख्तियार है ना हलाल की तमीज़ है और ना हराम की कैद है हराम और हलाल को भूल जाओ एक ऐसी ख्वाहिश बताओ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सबसे ज्यादा जरूरी हो कि ये मिल गई इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए जो सबसे बड़ा दर्जा तुम्हारे लिए रखती हो कमाल की बात यह है एक मिनट से पहले पहले सभी लड़कों ने वो पर्चा उन आलम दीन की टेबल पर लाकर सब लड़कों ने रख दिया और आप अंदाजा लगा सकते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उस पर्चे में क्या लिखा हुआ होगा सब पर्चों में एक ही बात लिखी हुई थी और क्या थी वो आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं मर्द एक घोड़े की तरह है जिस तरीके से घोड़े की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ होता है एक स्पेशल उसका मालिक उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है उसको स्ट्रेट बिल्कुल सामने की चीजें दिखाई देती हैं आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता यही फितरत मर्द की है उसको उसका टारगेट सिर्फ एक तरफ होता है और बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने पर्चे में क्या लिखा लेकिन लड़कियों की तरफ अजीब मामला हुआ लड़कियां लिखती थी फिर काट देती थी और बड़ा एक्साइटेड होके उन दीन से कहती थी सर प्लीज दो मिनट और मिलेंगे तीन मिनट और मिलेंगे वो समझ नहीं पा रही थी कि हम अपनी क्या ख्वाहिश लिखें कुछ लिखती थी फिर काट देती थी किसी ने कुछ लिखा फिर काट दिया नतीजा यह निकला कि वो अपनी ख्वाहिश को बता नहीं पाई कहने का मतलब यह है कि मर्द को अगर यह एक चीज दे दी जाए जो चीज उन्होंने पर्चे में लिखी जो मर्द का टारगेट होता है तो मर्द सेटिस्फाई हो जाता है ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है उसकी इसके आगे वो कुछ भी नहीं देखता और इसीलिए उसको बहत्तर हुरों का लालच दिया है कि वो इस बुराई से बच जाए औरत का एहतराम करने लगे उसकी इज्जत करने लगे उसकी इज्जत पर हर वक्त बुरी नज़र न डाले और उसकी इज्जत करते हुए जिंदगी गुजारे तो इसके बदले में उसको ये ऑफर दिया गया है कि उसको बहत्तर हुए मिलेंगी किसको मिलेंगी जो औरत की इज्जत करेगा उस पर बुरी नजर न डालेगा और ये इतना बेस्ट ऑफर इसलिए दिया गया है क्योंकि मर्द का टारगेट ही यही होता है वो सारी चीजों की कुर्बानी दे सकता है इस एक चीज की खातिर तो अल्लाह ने औरत को इज्जत बख्शने के लिए उसको तहफुज देने के लिए उसकी हिफाजत करने के लिए कि इनको छोड़ दे इनको बख्श दे इनकी इज्जत कर माँ बहन की तरह तो मैं तुझे बहत्तर उरे दूंगा और रिसर्च में नतीजा ये निकला कि मर्दों की ख्वाहिश का पता चल गया सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है औरतों की ख्वाहिश ये मालूम हुई कि औरतों को सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें अगर सोना दे दिया जाए तो वो कहती है मुझे ये नहीं मिला अगर गाड़ी दे दी जाए तो फिर ये चीज़ भी हो लेकिन सरप्राइज़ ऐसी चीज़ है अगर उसके दिमाग में उसके माइंड में ये बात डाल दी जाए कि तुम्हें सरप्राइज़ मिलने वाला है तो वो अपना खाना छोड़ देती है सब कुछ छोड़ देती है और उस दिन का इंतज़ार करती है जिस दिन उसे सरप्राइज़ दिया जाएगा आपने प्रैक्टिकल किया होगा अपनी लाइफ में और ये बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकल है शोहरों ने किया होगा और जो जिंदगी गुजारते हैं हराम रिश्ते बनाते हैं उन्होंने भी प्रैक्टिकल किया होगा कि सरप्राइज़ कितनी अहमियत रखता है औरत ज़ात के लिए लड़कियों के लिए तो अल्लाह इज्जत ने औरतों के लिए कुरने पाक में मर्दों के लिए तो ये बता दिया कि उन्हें इन इन चीज़ों का शौक़ है ये सारी चीज़ें मैं उसे जन्नत में दे दूंगा औरत को सरप्राइज बहुत पसंद है तो अल्लाह रबुल्ज़त ने यह रिशात फरमा दिया कि जो औरत ताकत रखते हुए किसी की गलती पर उस गलती को माफ कर कर उससे रिश्ता बरकरार रखेगी तो इसका अज्र में क्यामत के दिन उसको स्पेशल दूंगा सोचने वाली बात है कि अल्लाह रबुल्ज़त ने इस स्पेशलिटी को जो इनाम है उसको छुपा कर रखा है हिडन रखा है यानी उसको हाइड किया है बताया नहीं ओपनली खोला नहीं उसको समझ जाए कि जब सरप्राइज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा तो कितना जबरदस्त सरप्राइज होगा उसकी क्या अहमियत होगी और वो क्या हो सकता है इमेजिन कर देखें तो औरतों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरप्राइज रखा है और उन्हें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह इज्जत का सरप्राइज कितना ज़बरदस्त और कितना आला और कितना बड़ा होगा औरतों को सरप्राइज़ मिलेगा मर्दों को तो खुलासा कर दिया कि बहत्तर हुरें मिलेंगी और जिस चीज़ का ख़ुलासा हो जाए उसकी अहमियत कम हो जाती है लेकिन सरप्राइज जब तक मिले ना तब तक उसकी अहमियत हमारे अंदर ज़बरदस्त फीलिंग्स को बूस्ट करती हैं और जिसने सरप्राइज़ देने का वादा किया है उसका फरमाबरदार और उसका ताबा बना देती हैं वो जो हुक्म देता है उस हुक्म पर चलने की वो कोशिश करता है जिसको सरप्राइज का ऐलान दिया जाता है वादा दिया जाता है या लालच दिया जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुरों का लालच मर्द को इसलिए दिया है ताकि वो औरतों का तहफ़ करे उनकी हिफाजत करे उनकी इज्जत करे उन्हें एहतराम की नज़र से देखे और औरत को सरप्राइज का लालच इस दिए इसलिए दिया है क्योंकि औरत के लिए सबसे बड़ी चीज सबसे बड़ा इनाम ये होता है कि उसको सरप्राइज दिया जाए और जब तक सरप्राइज़ ना दिए जाए तब तक वो उस सरप्राइज़ देने वाले को बहुत प्यार करती है उसके कहने पर चलती है उसका कहना मानती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को यानी औरतों को पाकिजगी का हुक्म देता है जिना न करने का हुक्म देता है अच्छे कामों का हुक्म देता है बुराइयों से रोकने का हुक्म देता है कहने का मतलब यह है कि मर्द मर्द को तमाम बुराइयों से रोकने के लिए डिसिप्लिन कायम करने के लिए एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हूरों का ऑफर दिया गया है और औरतों के लिए सबसे बड़ा होता है सरप्राइज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको सरप्राइज का वादा करके उसको अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारने का मतलब अहद लिया है कि तुम ऐसी जिंदगी गुजारो जैसी मैं बता रहा हूं बेहतरीन जिंदगी गुजारो किसी का दिल न तोड़ो शहर की नाफरमानी न करो वाले का कहना मानो मर्दों की तरफ रगबत हासिल न करो अपने शहर के लिए जो अपने शोहर के लिए मरो नाजायज हराम तल्लुत कायम न करो कहने का मतलब यह है मर्द और, और औरत को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह रबुल् ने ये दोनों चीजें रखी हैं हूर और सरप्राइज बात आपके समझ में आ गई होगी इसी पैगाम के साथ असल मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़